मिल गया सुकून, पड़ गई कलेजे को ठंडक। कहती थी मैं तुम्हें हजार दफा समझाया कि उस रिदा के होश ठिकाने लगाने, तो मुझे तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन नहीं, तुम तो चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा हो, मेरी बेइज्जती हो, मैं जलील हूं, मुझे टेंशन मिले। क्या नहीं किया मैंने, मुझे बताओ। जो कुछ तुमने कहा मैंने किया, झूठ बोला, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां घड़ी, यहां तक के मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, ये भी झूठ बोल दिया उससे। लेकिन नहीं, फिर भी तुम्हारी कोई चाल ना मेरे तो काम नहीं आई। अब मुझे ये बताओ, जिस दिन हमाद को ये बात पता चलेगी कि मैं तो उसके बच्चे की मां नहीं बनने वाली, क्या होगा? निकाल के बाहर फेंक देगा मुझे इस घर से। मुझे भी बोलने देगी या अपनी बकवास की जाएगी? बस कर जाओ तुम, क्या कहना है तुमने? अब मेरे लिए सब कुछ खराब करके अब तुमने कुछ कहना है? ए अकल की अंधी, समझ क्यों नहीं रही? अगर मैंने तुझे ना रोका होता ना, रिदा तेरे खिलाफ जो भी हमाद को समझाती ना, वो यकीन कर लेता। मगर अब ऐसा नहीं। मेरी बात सुनो अम्मा, हमाद अपने बच्चों को इस घर में ले आया है, और रिदा रिदा अपने बच्चों से मिलने के बहाने इस घर में आती जाती रहेगी, जिसका मतलब ये कि हमाद के दिल में उसके लिए रास्ते एक बार फिर से खुलना शुरू हो जाएंगे। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक, अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी तो ना मान, जा कर ले अपनी मर्जी, लेकिन फिर मेरे पास मत आना। धमकी दे रही हो मुझे? अपनी बेटी को धमकी दे रही हो? तुझे ऐसा लगता ना, तो ऐसे ही सही कर। मुझे ना माफ करो, और फिलहाल मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस मसले का हल क्या है। मैं हमाद की जिंदगी में रिदा का आना जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बताओ, बच्चों को इस घर से निकलवाना है, रिदा को हमाद की जिंदगी से निकलवाना है, कैसे होगा ये सब कुछ? मामला है तो जरा संगीन, लेकिन इस मसले का भी हल है मेरे पास। बताओ क्या हल है?